हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और ये संडे का दिन है, तो देख सकते हैं मॉर्निंग में मैंने पौधों को, मतलब एक दिन पहले मैंने अच्छे से फिर से इसकी अच्छे से वाटरिंग करी थी और इनको क्लीन करके मतलब यहाँ पे रखा था। वाइप तो नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा फैला था, तो उसको सब सेट किया था। क्योंकि क्या होता है ना, 2-3 दिन पर इतनी ज़्यादा धूल आती है कि पूरे पौधे में मतलब अजीब सा धूल धूल सा हो जाता है। तो एक दिन पहले मैंने सारे पौधों को इधर उधर मतलब उनके लोकेशन के हिसाब से सेट किया, किसको ज़्यादा धूप चाहिए, किसको छाँव चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने सब सेट कर दिया। और जो बेकार पत्ते थे उनको कटिंग कर दिया था। यहाँ पे केले के पत्ते ख़राब हो गए थे, उनको कटिंग कर दिया है। अपराजिता वगैरह भी था तो यहाँ पर सब सेट कर दिया है। और देख सकते हैं नीम का पेड़ है ना, ये काफ़ी टाइम से मतलब 1 साल हो गया, ये इतना लंबा होता चला जा रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं क्या करूँ। एकदम पतला सा स्टिक जैसा है और पूरा लंबा सा हो गया है। तो सारे पौधों को सेट करने के बाद से मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और नहा चुकी थी। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। सो मॉर्निंग में सफाई नहाने वगैरह से पहले मैंने ना थोड़ा सा लोबिया रखा था, तो उसको भिगो दिया था, बस थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा बना दूंगी। पर नितिन कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा और मुझे इसे ब्रेड सेक के दे देना, पर लोबिया मैंने भिगो दिया था तो ख़राब हो जाता। मैंने सोचा दाल वाल उसका बनाऊंगी, इससे अच्छा कि मैं सिंपल जैसे खाने के लिए स्नैक्स के रूप में बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में हम जो भी लोबिया बनाते हैं ना, तो ऐसे भिगो लेते हैं और उसे प्याज मिर्च लहसुन का तड़का दिया, टमाटर डाला और थोड़ा सा जीरा, मतलब जीरा अगर आपको डालना है तड़के को उसमें तो डाल दीजिए। मैं सिंपली बनाती हूँ ऐसे, तो इसको डाल के और इसमें बस कुछ करना नहीं है, ये सारी चीज़ मिक्स हो गई। उसके बाद लोबिया आपको डाल देना है, और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो मैजिक मसाला डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। आज मैंने डाला हुआ है, यूजली मतलब 4-5 बार बनाती हूँ तो एक बार ही में डालती हूँ, बाकी टाइम एकदम सिंपल वाला बनाती हूँ। तो ये ऐसे सीटी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे इसमें कि सीटी प्रॉपर बन लग जाती है, 3 से 4 सीटी बन जाता है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। उसके बाद जितना ग्रेवी रहती है ना, तो उसी हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं कि अगर हमको ग्रेवी वाली खानी है तो पानी रहने देते हैं, अगर ग्रेवी वाली नहीं खानी है तो पानी सुखा देते हैं, इसलिए पानी मैं पहले ही ज़्यादा डालती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चाय बना लिया था। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसे ही था, और सुबह मतलब सारा कुछ निपटा लिया था, नहा धो लिया था, घर की पूरी सफाई हो गई, तो उसके बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। क्योंकि सुबह सुबह जब व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज काम पहले निपटा लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का हर दिन का क्या ही शेयर करना, किसी दिन प्रॉपर ऐसे शेयर करूँगी तो सारा कुछ दिखा दूँगी फिर से। सो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, ब्रेकफास्ट हम करेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी YouTube की पेमेंट आ चुकी है, तो जो YouTube की पेमेंट आई थी, तो मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि उनके पसंद का कुछ अच्छा सा दिलाऊंगी जो उनको चाहिए होगा, तो उन्होंने कुछ बोला हुआ था जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या उनको दिलाई हूँ। तो मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ ज़्यादा झोल नहीं हुआ था YouTube की पेमेंट को लेके, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा एकदम प्रोसेस, इजी प्रोसेस था मेरे लिए, तो सब कुछ सही तरीके से हो गया था। सारा पैसा मतलब जो भी पैसा आया था वो अकाउंट में मेरे आ गया था, और बिल्कुल जैसे बहुत लोग का मैं वीडियोज़ देखती हूँ ना कि उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। और जो भी हुआ था वो मैंने बहुत ईजिली तरीके से मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पे साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट बन गया, देख सकते हैं कि ये लोबिया इसी टाइप की होती है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप मतलब सिंपल खाना चाहते हो तो मैजिक मसाला मत डालना, और स्पाइसी खाना चाहते हो तो मैजिक मसाला डाल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल ब्रेकफास्ट बन गया था, और इसको ब्रेकफास्ट करने के बाद से हम निकलेंगे। और वैसे बहुत ज़्यादा धूप थी, पर नितिन कह रहे थे कि अभी चल लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि पता है शाम के टाइम है ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पर, तो अच्छे से कोई दिखा नहीं पाता है, और दिन में थोड़ा सा मतलब फ्री टाइम मिल जाता है, तो हम आराम से कोई चीज़ अगर हमें लेनी है, तो हमारे ये था कि हमें वो चीज़ चाहिए तो हमें अपने बजट में भी चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए, इसलिए हम कल भी गए थे तो हमने देखा 1-2 जगह, बट हमें समझ में नहीं आया था। तो मैंने सोचा इसमें क्या क्या जल्दबाजी, हमारे पास तो ऑलरेडी वो सामान है ही, उससे रिलेटेड सामान है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा देख समझ के अच्छे से ले लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं होगा। लेकिन आज मतलब बिल्कुल इतना हिम्मत नहीं हो रही थी निकलने के लिए धूप में, तो इसीलिए मैं देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मन नहीं हो रहा था जाने के लिए। मैंने बोला था शाम को चलते, बट इन्होंने बोला कूलर लगा के थोड़ी देर रेस्ट कर लो उसके बाद चलते हैं, तो कूलर यहाँ पर चल रही थी, उसके बाद मैं रेस्ट करी। उसके बाद उठी तो मैंगो शेक बनाया, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मतलब अच्छा लगता है दोपहर के टाइम में, कुछ ठंडा लस्सी जैसा हो या मैंगो शेक हो, बनाना शेक हो, मतलब कुछ भी शेक जैसा मुझे मिल जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम निकल गए हैं मार्केट के लिए, और मार्केट से निकल के वापस भी चले आएँगे। उसके बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था धूप की वजह से, क्योंकि धूप होती है ना तो आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे कम से कम बाहर मार्केट में घूम के आए थे, कई सारे शॉप पर देख के आए थे, बट समझ में नहीं आया था, तो वापस से आ गए थे।
तो इसलिए हमें बाद की रिकॉर्डिंग आपको नहीं देखने को मिली थी। तो वापस आ गए तो नितिन यहाँ पे नींबू पानी बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा था, लेकिन नींबू मैं नहीं पी सकती क्योंकि नींबू जैसे पीती ना मेरे गले में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मुझे इससे थोड़ा सा एलर्जी है तो मैं नहीं पी पाती। खट्टी वाली कोई चीज़ें होती हैं तो मैं उसको नहीं पी पाती, या फिर मतलब रात का टाइम हो जैसे भी हो तो मतलब नींबू को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो मैं नहीं लेती। तो इन्होंने स्टाइल मार के दिखाया कि देखो तुमसे अच्छा मैंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सब बना हुआ था लेकिन मैंने पिया नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने पिया, उसके बाद से हम डीसी की तरफ निकलेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी। तो हम वापस आ गए थे और वापस आने इतनी ज़्यादा धूप थी ना, और उसके वजह से मतलब 3-4 शोरूम हमने देखा और एक भी शोरूम में कुछ खास जमा नहीं, और जो मतलब जो पसंद भी आया तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो अभी देखते हैं कि अभी हम जा रहे हैं सरगम इलेक्ट्रॉनिक या फिर विजय सेल, जो हमारा ये जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी हम जो मेट्रो के पास विजय सेल है वहाँ से आए थे, और अब हम जा रहे हैं जनकपुरी के पास में। तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर कुछ मिला तो ले लेंगे, अदरवाइज वापस से जहाँ से हम पसंद करके आए तो वहीं से ले लेंगे। लेकिन इतने अच्छे अच्छे साउंड बार थे कि पूछे मत, मतलब ऐसा लगता था कि अगर आपका घर बड़ा हो ना और रूम में टीवी लगा लिया और साउंड बार लगा लिया तो मस्त आपका एकदम पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा और हॉल वाली फीलिंग पूरी आएगी। तो अभी बस इतनी धूप थी, आके खाना खाया, खाना खा के मैं लेट गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ, तो चलते हैं। खरीद लेने जा रहा है गरीब के पास, क्योंकि इनकम लाखों में है और मेरे कुछ चंद रुपयों पे ही सो गाइस यहाँ पे एक दूसरे को हम ऐसे चिढ़ा रहे थे कि मतलब YouTube का जो मेरा पैसा आया है इतना भी पैसा नहीं है कि नितिन के हिसाब से मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो, बट उस चीज़ की उनको ज़्यादा खुशी थी कि इतने दिनों के बाद जो मेहनत करने वाले जो पैसे आए थे तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो उस पैसे से कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि तुम्हारे सामने तो मेरा पैसा बिल्कुल ज़ीरो ही है एक तरीके से, लेकिन होता है ना कि जो हस्बैंड का पैसा होता है वो तो घर के पूरे खर्चे में ही चला जाता है, मतलब हर तरीके से जो खर्चे होते हैं ना उसमें ही चला जाता है, तो वो कहीं दिखता ही नहीं है पैसा एक तरीके से। और जो ये पैसा है तो इसमें क्या होता है कि हम अपने शौक वाली चीज़ें कर सकते हैं या ज़रूरत की हमारी कोई ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसमें कर सकते हैं। तो वही कह रहे थे कि मतलब कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर देना मुझे जो मैं यूज़ करूँ उस चीज़ का। तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि उन्हें साउंड बार चाहिए, जबकि हमारे पास दो दो स्पीकर्स हैं बट साउंड बार नहीं था हमारे पास, तो कहते साउंड बार रहेगा तो यूज़ होएगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब वो पैसा किसी अच्छी चीज़ में चला जा रहा है तो मैं दिला देती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है पसंद आया वैसे ले लेना, अगर 1-2 हज़ार ऊपर नीचे भी होता है तो मतलब ऐसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन उनका ये सीन था कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगा लेके भी कोई फ़ायदा नहीं बनता है, क्योंकि जो हम फ्लैट में रहते हैं तो उस फ्लैट के हिसाब से ही हमें रखना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्पीकर रख लिए घर में और यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कई सारे शोरूम्स गए थे जस्ट इसीलिए कि हमें देखना था कि हमारे बजट फ्रेंडली हो और वो स्पीकर हमारे यूज़ में भी आए और मतलब प्रॉपर हम हर दिन यूज़ कर सके, इसीलिए हम लोग कई शोरूम में गए थे, वरना चाहते तो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते थे। तो यहाँ पे आपको ऑडियो भी सुनाएंगे। यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह तो मैंने ऑन करा नहीं होता फ़ोन में, और जो ऑडियो थी ना ये क्राउड के साथ ही ऑडियो सुनाई दिया है, तो आप समझ सकते हो कि ऑडियो कैसी होगी। तो ऑडियो अच्छी थी बट कैप्चर अच्छे से नहीं किया, फ़ोन था और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे तो इसलिए अच्छे से कैप्चर नहीं किया है। लेकिन हमें एक सराउंडिंग चाहिए थी कि अगर हम मूवी देखते हैं तो उस वक्त कैसा एक सराउंडिंग आता है, तो वो भी हमें चेक करना था। तो यहाँ पे हम अभी वो भी आपको दिखाते हैं। तो अगेन यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम के चक्कर में मैंने आके यहाँ पे आपको पूरा ऑडियो नहीं सुनाया है और उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। रीज़न ये है कि मेरे वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और ऐसी ऑडियो का लाइसेंस नहीं मिलता हमें अपने वीडियोस में। उसको बैक कैमरा से वीडियो बना कर देखते हैं।
सो गाइज फाइनली बिलिंग हो गई थी और एक साउंड बार हमें पसंद आ गया था, तो वो सब कुछ हमने पैक करा लिया था और पैकिंग हो रही थी उधर से, तो वो घर पे पहुंच के आपको दिखा देंगे कि कौन सा वाला साउंड बार हमने लिया है और इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देख सकते हैं मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर रही थी, ये तो लाइट यहाँ पड़ रही है तो हो रहा है, ये कैमरा ज़्यादा सही में ज़्यादा अच्छा है यार। सो गाइस मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि दोनों का जो पिक्चर क्वालिटी थी ना, तो वो डिफरेंट आ रही, तो मुझे लग रहा था कि दोनों का कैमरा सेम है तो पिक्चर क्वालिटी डिफरेंट क्यों आ रही है, तो पता चला कि उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा थी। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला जो साउंड बार है वही लिया है, तो ये बोट का ये रखा हुआ नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली ये वाला मॉडल जो था इन्होंने बाद में निकाल के दिखाया है, तो हमें जैसे हमने बोल दिया था कि हमें कहीं और पसंद आ गया था, विजय सेल कई जगह होता है, तो हमने दूसरी जगह वाली पसंद आई थी, तो मैंने वही बोला कि अगर वो वाला है तो आप दिखा दो या कोई अपग्रेड मॉडल दिखा दो, तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि हमारे पास एक दो और पीसेज है मैं निकाल के लाता हूँ, तो ये पता नहीं कहाँ से ले गया थे अपना, फिर उन्होंने दिखाया तो अच्छा इसका जो क्वालिटी थी ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा वेट करना सफल हो गया। तो वहाँ पे फाइनली ये भैया बाहर निकाल के रख दिए थे, कैब हमारी आ रही थी तो इसलिए हमने इनको बोला कि आप यहीं पे रख के वापस चले जाओ, तो यहीं से हमने लिया था ये जनकपुरी वाला जो विजय सेल है, तो यहीं से लिया था। तो साउंड बार थैंक यू फॉर द गिफ्ट, क्या करोगे? और इसको लगा के पूरा यहाँ पे अभी लगाऊंगा ना, ये कैसे निकाला था उसने? इसको ऐसे सुला दो, ऐसे लिटा दो। ये कैसे खोला? पीछे से ऐसे खोला, पीछे से यहाँ 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 से। हाँ गुल्ली मत। तो गाइस देख सकते हैं ये है बोट का साउंड बार जो हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ सिर्फ एक स्पीकर था, तो हम लोग लेके आए हैं इसको। एक चीज आती है तो एक चीज खराब हो जाती है हमारे घर में। ये इसका ऊपर हाँ। जो कितना लंबा है हाँ। और ये क्या हुआ? कहाँ से आया बाबू? उधर से निकलेगा ना, निकल रहा है। ऐसी अनबॉक्सिंग हमने पहली बार देखी है जिसका और छोर कुछ नहीं दिख रहा है पूरे। ये है हमारा। तो गाइस आज पहली बार मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग करने मेरे हस्बैंड आए हैं, जिनका नाम है नितिन सक्सेना, जिसको नहीं पता है, जो लोग न्यू हैं उनको बता देती हूँ, बाकी तो जो ओल्ड मेरे ऑडियंस है उनको पता होगा। तो यहाँ पे हो रहा है ओपनिंग। तो गाइस ये है इसका लुक, और ये बैक साइड में ना इसको हैंग करने का भी पॉइंट बनाया होगा, कहाँ पे है? अच्छा ये बना हुआ है, इसको हम हैंग करेंगे। तो हमारे पास ऐसा वाला स्पीकर था नहीं, वैसे तो मुझे कोई खास शौक नहीं है, बट नितिन को है कि मूवी वगैरह देखते रहते हैं, तो ये लगाएंगे अपने टीवी के ऊपर। और बजट फ्रेंडली है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम मैं आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या चीज़ है? साइड में कर दो, तुमने ऑयलिंग भी तो करा रखी है ना, इसलिए भी लग रहा है। हाँ हाँ गैस बन रही है ना, इसको साइड यहाँ पे लगा देती हूँ, इसकी भी अच्छे से रख दूंगी। हम लोग कहीं सोना चांदी नहीं मिलेगा आपको, गैजेट सब मिलेंगे। देखो हाइट कितनी आ जाएगी इसमें, यहाँ ऊपर का नहीं, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या रुको रुको, ये यहाँ पे लगाओगे? इस पे नहीं होगा, नहीं आ रहा। सुला दोगे? सुला के नहीं हो पाएगा ना, इधर स्पीकर वो है, नहीं सुन सकता। किस जगह पे नहीं कर रहा? तो नहीं हो रहा। हाँ ऐसे कर, ऐसे भी लगा
कहाँ लगाओगी, गिर नहीं चलेगा नीचे पागल। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका वूफर काफ़ी बड़ा था और ये कैबिनेट पे सेट नहीं हो रहा था, तो हमने नीचे ही सेट कर दिया था आवाज़ सुनने के लिए। तो आवाज़ अभी आपको सुना नहीं सकते क्योंकि मूवी चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था, तो इसलिए नहीं सुना सकते। सुबह मॉर्निंग मैंने इसको निकाल दिया था कि साइड वाला जो शेल्फ पड़ी है ना, तो उसको मैंने धीरे से करके ना उखाड़ दिया और उसमें कील के थ्रू था, तो उसको निकाल दी, जब ज़रूरत पड़ेगी वापस उसमें लगा दूंगी, और वहीं पर सेट हो गया था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ बताएगा कि ये गिफ्ट कैसा लगा।